हेलो दोस्तों, मैं विमल इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज वर्क एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम वर्क क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो वर्क जो होता है वो अलग अलग सिचुएशन में, वर्क का अलग अलग इक्वेशन आता है। अलग अलग सिचुएशन मतलब कि वर्क डन इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वर्क डन इन थर्मोडाइनेमिक्स, वर्क डन ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैग्नेटिक वर्क और शाफ्ट वर्क। तो इस वीडियो में हम ये सभी टाइप्स के वर्क के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा मेनली फोकस थर्मोडाइनेमिक वर्क पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विमल, टेक्नो एरिया वी चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर इस चैनल के वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ये बॉडी एज्यूम करते हैं। ये एक बॉडी है। ठीक है, तो ये बॉडी में ये डायरेक्शन में एफ जितना फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी पे एफ जितना फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमको वर्क को डिफाइन करना है तो वर्क डन इज इक्वल टू दैट फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी डेल्टा एक्स। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, और अगर जैसे जैसे बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसके हिसाब से अगर फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है, तो हमको ये इक्वेशन को इनिशियल कंडीशन टू फाइनल कंडीशन तक में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिस्टेंस ट्रैवल के साथ चेंज हो रही है तो तब वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फोर्स इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवल एक्स। तो आगे हम देखते हैं वर्किंग थर्मोडाइनेमिक्स। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग में जो एनर्जी होती है उसको हम स्टोर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोर एनर्जी के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे स्टोर्ड एनर्जी के टाइप्स है। ठीक है, तो ये एनर्जी सिस्टम या फिर सराउंडिंग में क्यों स्टोर होकर रहती है? तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, जो इंटरनल एनर्जी हम जिसे बोलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। फिर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये सारी एनर्जी प्रेशर, टेम्परेचर, इसकी वजह से सिस्टम या फिर सराउंडिंग में स्टोर होके रहती है, तो उसको हम स्टोर एनर्जी बोलते हैं। तो जब भी सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर के अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, तो उसकी वजह से अगर सिस्टम और सराउंडिंग में दोनों में एनर्जी डिफरेंस प्रोड्यूस होता है तब एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर के अलावा दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, वो प्रॉपर्टी में डिफरेंस होने की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में एनर्जी डिफरेंस प्रोड्यूस होते हैं, तो इसकी वजह से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, तो उसको वर्क कहा जाता है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी में डिफरेंस होता है और तब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है उसको हीट ट्रांसफर कहा जाता है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जब भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का डिफरेंस होता है, सिस्टम में एनर्जी ज्यादा हो जाती है सराउंडिंग के कंपेयर में, या फिर सराउंडिंग में एनर्जी ज्यादा हो जाती है सिस्टम के कंपेयर में, तो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जब एनर्जी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है तब जो एनर्जी का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का इंटरेक्शन होता है उसे हीट ट्रांसफर कहा जाता है, और टेम्परेचर के अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है और तब एनर्जी का जो इंटरेक्शन होता है उसे वर्क कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्क या फिर हीट दोनों कभी भी सिस्टम में स्टोर होके नहीं रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पाथ फंक्शन है, जब प्रोसेस होती है मतलब कि एनर्जी का इंटरेक्शन होता है तभी सिर्फ हीट और वर्क रिप्रेजेंट होते हैं। तब तक जो एनर्जी जो होती है वो सिस्टम या फिर सराउंडिंग में एज अ स्टोर्ड एनर्जी स्टोर होके रहती है, और स्टोर एनर्जी क्या है मैंने अभी आपको बताया है। अब थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है वो देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक वर्क के लिए हम एक फिगर कंसिडर करते हैं जिसमें ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, और ये पिस्टन सिलेंडर के
के बीच की जो जगह है वो हमारे सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में गैस है, जो गैस का प्रेशर पी है, ठीक है। तो गैस के प्रेशर पी होने की वजह से, ये प्रेशर पी की वजह से ये जो पिस्टन है वो डेल्टा एक्स जितना ट्रैवल करता है। ये डेल्टा एक्स वो इन्फिनाइटेसिमल डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की वजह से इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे वर्क हो रहा है, लेकिन डेल्टा एक्स इन्फिनाइटेसिमल डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वर्क हो रहा है दैट इज द इन्फिनाइटेसिमल वर्क डन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। और ये जो डेल्टा है वो लोअर केस में है, ठीक है। तो हमको वर्क की डेफिनेशन पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव, ठीक है। तो फोर्स मतलब कि प्रेशर इंटू एरिया ऑफ पिस्टन। हम प्रेशर की डेफिनेशन देखें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक है। तो यहाँ पे दिस प्रेशर इज पी एंड एरिया ऑफ पिस्टन, मतलब कि यहाँ पे जो पिस्टन का डायमीटर डी है, तो पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, उसके हम पिस्टन का एरिया निकाल सकते हैं। तो दैट प्रेशर इंटू एरिया ऑफ पिस्टन दैट इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्टेंस मूव, दैट डिस्टेंस मूव मतलब कि डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं प्रेशर पी एरिया ऑफ पिस्टन कैपिटल ए एंड डिस्टेंस मूव डेल्टा एक्स, और यहाँ पे ए इंटू डेल्टा एक्स जो है दैट इज द इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है वो जब पिस्टन डेल्टा एक्स जितना ट्रैवल करता है, तब पिस्टन ये डेल्टा वी जितना वॉल्यूम स्वेप्ट करता है, ठीक है। तो ए डेल्टा वी को हम डेल्टा वी ले सकते हैं, ए डेल्टा एक्स को हम डेल्टा वी ले सकते हैं, जो कि इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पिस्टन इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तब जो वर्क डन हो रहा है दैट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ठीक है। और अगर पिस्टन कोई फाइनाइट डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक है, तो पिस्टन जब कोई फाइनाइट डिस्टेंस मूव करता है, तो ये इक्वेशन को हम पी डेल्टा वी को इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट तक इंटीग्रेशन करके वर्क डन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पिस्टन सिलेंडर में जो वर्क जो हुआ है वो एक्सपांशन वर्क है, ठीक है। और हमेशा एक्सपांशन वर्क में प्रेशर डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो अगर ये एक्सपांशन वर्क को हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें, तो ये स्टेट वन है मतलब कि इनिशियल पोजीशन, और ये स्टेट टू जो है दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पिस्टन। तो यहाँ से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एक्स जो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जब पिस्टन ट्रैवल करता है तब जो वर्क डेवलप होता है वो यहाँ पे शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये होता है डेल्टा एक्स, जो डेल्टा एक्स इंटू ए हम ले तो ये बन जाएगा डेल्टा वी जितना एरिया, ठीक है। और ये जो पिस्टन डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो बहुत ही स्मॉल होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर जो है उसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर पीवी डायग्राम पे हमको ये स्मॉल डिस्टेंस जब पिस्टन ट्रैवल करता है डेल्टा एक्स, तब जो वर्क होता है इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वर्क, इसको हम ये शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसको हम डेल्टा एक्स पी इंटू डेल्टा वी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमको पूरी एक्सपांशन प्रोसेस में जो वर्क हुआ है उसको अगर हमको फाइंड करना है, तो ये इनिशियल स्टेट की कंडीशन और फाइनल स्टेट की कंडीशन को हम, ये इक्वेशन को हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक के बीच में इंटीग्रेशन करके ये पूरी प्रोसेस में जो ये वर्क हुआ है, ठीक है, ये वर्क वो वर्क को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम में से सराउंडिंग में वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक वर्क जो है वो सिस्टम में से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से और सराउंडिंग में प्रेशर कम होने की वजह से ये एनर्जी का डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। तो जब एनर्जी का डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, तब सिस्टम में से सराउंडिंग में वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जब एनर्जी का डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है तब सिस्टम में से सराउंडिंग में वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और वो वर्क की वैल्यू हम ये इक्वेशन से या फिर ये इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक वर्क का शाइन कन्वेक्शन। तो इसके लिए हम पहले ही एक सिस्टम एज्यूम करते हैं,
ये सिस्टम वर्क डेवलप करता है या फिर सिस्टम पे कोई वर्क होता है सराउंडिंग के जरिए। तो जब भी सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ वर्क करता है या फिर सिस्टम वर्क डेवलप करता है तो उस वर्क को पॉजिटिव शाइन दिया जाता है, ठीक है। और जब भी सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करता है तो उस वर्क को नेगेटिव शाइन दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी सिस्टम वर्क डेवलप करता है तो वो पॉजिटिव वर्क होता है, और जब भी सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करता है तो वो नेगेटिव वर्क होता है। तो इस तरह से सिस्टम जब भी कुछ पॉजिटिव वर्क करता है तो उतना ही सराउंडिंग नेगेटिव वर्क करता है, या फिर सराउंडिंग जब पॉजिटिव वर्क करता है तो उतना ही सिस्टम नेगेटिव वर्क करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों हमारा ये हो गया वर्क डन इन थर्मोडाइनेमिक्स। तो दोस्तों अब हम वर्क इंटरेक्शन के दूसरे तरीके देखेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं वर्क डन ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर। तो इसमें हम एक वायर रिज्यूम करते हैं कि जो वायर का डायमीटर ए है, ठीक है, और उस पे एक्सटर्नल फोर्स एफ जितना लगता है, ठीक है। तो जब वायर पे एक्सटर्नल फोर्स एफ जितना लगता है तो वायर की जो लेंथ एल होती है वो वायर की लेंथ एल से एल प्लस डेल्टा एल जितनी हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे वायर पे जो इन्फाइनाइटेसिमल जो वर्क डन जो होता है दैट्स वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डेल्टा एल। ये डेल्टा एल जो वायर की जो लेंथ चेंज होती है वो दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन को माइनस साइन दिए हुए क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पे वर्क होता है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन है, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन को हम देखें तो जब भी वायर में स्ट्रेस डेवलप होता है तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए, और वायर की जो लेंथ होती है वो लेंथ चेंज होने की वजह से वायर में स्ट्रेन डेवलप होता है। तो दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ एल, ठीक है। तो हम ये दो इक्वेशन को ये इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटेसिमल वर्क डन जो है इसका इक्वेशन माइनस स्ट्रेस इंटू कैपिटल ए जो वायर का डायमीटर है इंटू एल इंटू चेंज इन स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन को हम इन्फिनिटेसिमल वर्क डन के लिए वायर स्ट्रेचिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर वायर की जो लेंथ जो इंक्रीज होती है स्ट्रेचिंग की वजह से और वो कोई फाइनाइट वैल्यू होती है तो उसमें हम ये वर्क डन का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्क डन ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर। तो आगे हम देखते हैं मैग्नेटिक वर्क क्या होता है। तो मैग्नेटाइजेशन में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से जो वर्क डन होता है उसका इक्वेशन ये है, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट म्यू जीरो कैपिटल एच डी कैपिटल वी इंटू डेल्टा एम। तो यहाँ पे जो म्यू जीरो जो है दैट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एच जो है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी जो है वो क्या दिखाता है वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस, और कैपिटल एम जो है दैट इज द मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो दोस्तों ये इक्वेशन को आप मैग्नेटिक वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक वर्क। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक वर्क के लिए इक्वेशन। तो ये एक रेसिस्टेंस कॉइल है कि जिसमें से करंट आई पास हो रहा है, तो करंट आई इज इक्वल टू डी सी डिवाइड बाई डी टाउ, ठीक है। तो ये जो डी सी जो है That is the change in coulombs that crosses the system boundary in time d tau. Okay. तो जब भी कोई resistors में से current जब pass होता है तब जो electrical work done होता है that is equal to minus E into DC. E is equal to potential difference. तो यहाँ से DC is equal to I into d tau. तो ये equation को हम electric work done के लिए use कर सकते हैं, या फिर अगर फाइनाइट वर्क डन हो रहा है तो ये इक्वेशन को हम इलेक्ट्रिक वर्क डन के लिए यूज कर सकते हैं। अब फाइनली हम देखते हैं शाफ्ट वर्क क्या होता है। तो शाफ्ट वर्क को देखने के लिए हम एक शाफ्ट एज्यूम करते हैं कि जिसकी रेडियस स्मॉल आर जितनी है, तो ये शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये शाफ्ट पे टेंजेंशियल फोर्स एफ जितना लगता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स एफ लगने की वजह से शाफ्ट में टॉर्क डेवलप होता है, तो दैट टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, जिसका यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो शाफ्ट में टेंजेंशियल फोर्स लगने की वजह से शाफ्ट में टॉर्क लगता है
उसका ये इक्वेशन है, ठीक है। तो शाफ्ट में टॉर्क लगने की वजह से ये जो शाफ्ट है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको डेल्टा थीटा की मदद से यहाँ पे दिखाया गया है। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर लाइनर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना है तो डेट लाइनर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। तो अब जो शाफ्ट वर्क जो डेवलप होता है, दैट इंफिनिटेसिमल शाफ्ट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव। ये जो डिस्टेंस मूव हो रहा है वो दैट इज लाइनर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स जो ये शाफ्ट पे लगता है वो, और ये डिस्टेंस मूव जो कि लाइनर डिस्टेंस है, आर इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। और एफ इंटू आर, दैट एफ इंटू आर इज इक्वल टू टॉर्क, तो यहाँ पे टी इंटू डेल्टा थीटा। तो ये जो इन्फिनिटेसिमल वर्क इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा थीटा है, तो अगर शाफ्ट में फाइनाइट वर्क हो रहा है तो दैट शाफ्ट वर्क इज इक्वल टू टी इंटू इंटीग्रेशन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। और अगर हमको शाफ्ट पावर मेजर करना है तो दैट शाफ्ट वर्क पर यूनिट टाइम, तो दैट इक्वेशन पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी जो है, डी टाउ जो है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टाउ, दैट इज द सर्कुलर वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट, और इसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं ओमेगा को, ठीक है। और अगर शाफ्ट 1 मिनट में एन जितना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60, जिसका इक्वेशन बोला है रेडियन पर सेकंड। तो शाफ्ट वर्क के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा शाफ्ट वर्क। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है और वो कैसे डेवलप होता है वो देखा, और दूसरी भी सिचुएशन में वर्क का इक्वेशन क्या होता है और वो डेवलप कैसे होता है वो भी हमने देखा। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे अगले आने वाले टेक्निकल वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।